Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about the uses of acid, bases and salts from the chapter acid, bases, salts of class 7th standard. So students, अगर हम uses की बात करते हैं तो हमारे जो acids होते हैं सबसे पहले हमारे उनके uses हैं तो जो हमारा sulfuric acid होता है और nitric acid होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है manufacturing में fertilizers की, paints की, explosives की और दूसरे इनसे और दूसरे derive करके chemicals भी हमारे पास बनते हैं. नेक्स्ट इनका आ जाता है यूज़ वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. तो जहाँ पे प्रिंटिंग होती है या यहाँ पे लेदर बनता है तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है यूज़ होता है हमारा. एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका फूड प्रिजर्वेशन में, मतलब जो प्रिजर्वेटिव बनते हैं उनमें आपका क्या यूज़ होता है एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड. जैसा आपको पता होगा विनेगर भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है तो उसमें एसिटिक एसिड होता है बेसिकली. नेक्स्ट आ जाता है आपका सिट्रिक एसिड, वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है तो इसीलिए वो बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड यूज़ होता है हमारा फॉर टू गिविंग द फ्लेवर ऑल्सो एंड सिंस इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी तो उसके लिए भी इसे प्रेफर किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बेसिस के यूजेस. अब जो हमारे बेस होते हैं जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में टू सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड सॉइल्स. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरह क्योंकि ये क्या करता है हार्ड वाटर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वो हम होते हैं हमारे पास मतलब बहुत दूसरे मिनरल्स होते हैं या थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है उसमें इसको मिला के क्या कर दिया जाता है ब्लीच कर दिया जाता है तो पानी वो क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है. क्योंकि अगर हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर मतलब हार्ड पत्थर की तरह हार्ड नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर जो दूसरे सॉल्ट्स होते हैं और दूसरे मिनरल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से सोप वगैरह उन पे काम नहीं कर पाती है तो उसको सॉफ्ट करना पड़ता है पानी को. तो उसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाए. ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि हमारी सॉइल की अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं जिससे जो एसिडिटी है सॉइल्स की वो न्यूट्रलाइज हो जाए. सेकेंड यूज़ आता है हमारे पास बेसिस का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है जो फॉर्मिंग एजेंट जो मतलब झाग बनाने वाला जो एजेंट होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, जब आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर चलता है तो वाइट वाइट सा स्मोक निकलता है बहुत सारा, तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है हमारे पास. नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चर होता है, इससे मैन्युफैक्चरिंग होती है एंटासिड्स की एंड मेडिसिन बनती हैं इससे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हम इनो वगैरह लेते हैं या जो हम जेलेसिल वगैरह लेते हैं डाइजीन वगैरह वो बनती हैं हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से. अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये मोस्टली यूज़ होता है साबुन बनाने में, चाहे वो कपड़े धोने की हो नहाने की हो तो उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस यूज़ होता है. अब लास्ट आ जाते हैं हमारे सॉल्ट्स के यूजेस कि हमारा सॉल्ट कहाँ पे यूज़ होता है. तो अलग अलग सॉल्ट्स के अलग अलग यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में डिपेंडिंग अपॉन देयर यूनिक प्रॉपर्टी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. वन सच प्रॉपर्टी इज हाइग्रोस्कोपी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट विदाउट गेटिंग डिसॉल्विंग इन इट. सॉल्ट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपी. इसमें क्या होता है सॉल्ट किसी भी चीज़ में डिजॉल्व हुए बिना ही वहाँ से क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे आपका वो है क्विक लाइम और सिलिका जेल. सिलिका जेल आपके बहुत सारे क्लोथ्स में भी रखा हुआ आता है और बॉटल्स जैसे कोई चीज़ें बंद कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर भी हम रखते हैं ताकि वहाँ पे अगर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो सड़न पैदा ना करें और जो सिलिका जेल और ये जो क्विक लाइम वगैरह है ये क्या कर लें उसको एब्जॉर्ब कर लें, मतलब उसको अपनी सर्फेस पर क्या कर लें चिपका लें. बिना एब्जॉर्ब किए अपनी सर्फेस पर किसी मॉइस्चर को चिपका लेना कहलाता है एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन. ए एब्जॉर्प्शन में बी आ रहा है और एड्सॉर्प्शन में डी आता है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच में. और देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है हैव यू नोटिस मोर क्लोथ बैग्स एज यू ओपन अ सील्ड पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दीज बैग्स कंटेन डेसिकेटिंग एजेंट्स दैट कीप द गैजेट्स ड्राई. हमारे गैजेट्स ड्राई रहें इसीलिए उनके अंदर क्या निकलते हैं छोटे छोटे सिलिका जल के सील्ड पैकेट्स निकलते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे उनके अंदर तो उनका काम बस यही होता है कि जो अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो रखा है या कहीं से आ जाए तो उसकी वजह से कोई सड़न पैदा ना हो या वो मिक्स होके वहाँ के अंदर वाली चीज़ों को ख़राब ना करे या कपड़ों के अंदर भी अगर आ जाता है तो वहाँ से उस मॉइस्चर अगर कहीं से आ जाता है कपड़े के अंदर तो उसके अंदर वो एक फाउल स्मेल क्रिएट कर सकता है या वहाँ से उस पर्टिकुलर क्लोथ को डैमेज कर सकता है. तो ये सिचुएशन ना आए इसलिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं सिलिका जेल का यूज़ करते हैं जो पैकेट होता है वाइट सा निकलता है हमारा. ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स.
तो इस टाइप से हम इन्हें अलग अलग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है यहाँ से, आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर से जो बहुत ही सिंपल है। सो पहला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ एसिड इज, आपको पता है सौर होता है, यहाँ बट ऑप्शन में सौर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देन एसिड टर्न्स डैश लिटमस पेपर टू डैश, आपको पता है जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विल बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज डैश प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर, हाइड्रोक्सिल आयंस कौन देता है हमें, बेस देता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एसिडिटी, अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनमें से क्या लेते हैं, इज इट एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और एंटासिड, हम लेते हैं एंटासिड, क्यों, क्योंकि वो हमारे पेट के अंदर जो ज़्यादा एसिड क्रिएट हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है, टर्मरिक, चाइना रोज, बीट एंड लेमन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जो बीट रूट जो शलजम होती है, चुकंदर जो होती है वो भी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। बट एक लेमन की अगर हम बात करें, नींबू की, तो नींबू के अंदर तो पहले से ही बहुत खट्टा होता है, उसके अंदर तो पहले से ही बहुत एसिड होता है, तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं हो सकता। सो लेमन विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा, जो हम बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा डलता है हमारा केक बनते वक्त, तो वो उसको अगर उसका केमिकल नेम की बात करें तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ बेकिंग सोडा आपको ऑप्शन ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा एलिमेंट होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट्स अपने माइंड में एक बात रख लेना हमेशा कि जहाँ ऑर्गेनिक की बात हो रही है वहाँ हमेशा कार्बन ज़रूर होगा, तो यहाँ पे कार्बन आपका ऑप्शन सी में है, सो कार्बन विल बी द राइट आंसर। देन सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड और ऑल ऑफ दीज, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, मिनरल एसिड होता है और इनऑर्गेनिक तो होता ही है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इकलौता एसिटिक एसिड ऐसा है जो ऑर्गेनिक है, बाकी सारे हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक मिनरल एसिड्स हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, अब हमारे पास नेम दीज करके आया है, ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक टाइप से ही है, बट हमें बताना है एसिड फाउंड इन स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एन इंडिकेटर दैट बिकम्स कलरलेस व्हेन कॉन्टैक्ट विद एसिड, इट इज फिनोफ्थलीन, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज लैक्टिक एसिड, द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन बेस रिएक्ट विद वाटर, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड इन द स्टिंग ऑफ एन एंट इज फॉर्मिक एसिड, एसिड एन इंडिकेटर दैट गिव्स रेड कलर विद सोप इज टर्मरिक, एंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। ये मैंने आपको तब भी बताया था, उल्टा होता है, एसिड के केस में बेसिसिटी होता है और बेस के केस में एसिडिटी होता है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ हमारे पास, एन अल्कली इज अ बेस सॉल्यूबल इन वाटर, एक अल्कली क्या होता है, बेस होता है जो सॉल्यूबल होता है वाटर में, एसिड रेन क्या करती है, कोरोजन करती है बिल्डिंग्स का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रोइल होता है CuSO4.5H2O, एंड ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम्स, सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, द बेसिक सब्सटेंस यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स इज लाइम वाटर, जिसको हम चूना बोलते हैं, डैश टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस रेड से ब्लू लिटमस में टर्न कन्वर्ट कर देता है, टूथपेस्ट के अंदर जो बेस कंटेन होता है वो एल्कलीज होती हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।